तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं, आई होप सब कि आप लोग मस्त होंगे। तो गाइस अभी सुबह सुबह हम आए मम्मी जी के पास और यहाँ पे मम्मी जी अभी सब्जी को भूनने जा रही हैं और रोटी को बना चुकी हैं और उधर उसने दाल बनाई है। तो अभी कुकर प्रेशर बना रहा है, अभी सीटी देगा। और इधर मेरे को दिए मम्मी जी चावल और चोखा सिर्फ खाने के लिए, दाल नहीं दोगी? होगा तभी ना दाल दूंगी तुमको। तो जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी आंच दो। तो गाइस अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी घर पे कोई नहीं है, फिलहाल अकेले घर पे मैं हूँ और पूरा दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है और पूरा कड़ाके की धूप निकली हुई है और सब लोग स्कूल स्कूल गए हैं और गांव के लोग भी हैं तो इधर उधर घूम रहे हैं। तो चलिए हम भी थोड़ा सोते हैं और देखते हैं मम्मी कब तक स्कूल से आती हैं। तो गाइस अभी हम सोए हुए थे और कुछ देर पहले जस्ट जगे हैं, तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने घर के पीछे। और इधर शिवम भाई है जो इधर अपनी सब्जियां कुछ लगाया है जिसे सुरक्षा के लिए इसको चारों तरफ से घेरने के लिए मच्छरदानी लेकर आया है। और उधर टमाटर लगाया है इसको और इधर कुछ मर्चे हैं इसको ये घेरेगा। अभी ये टांगी को सही करने के लिए कुछ बना रहा है। और इधर एक हमारा पपीता का पेड़ है, इधर एक पपीता का पेड़ है जो अभी फल नहीं लिया है, लेकिन जस्ट इसके बगल में एक हम लोगों का पपीता का पेड़ है उस पर फल लगे हैं। तो गाइस अभी हम लोग का एक ए पपीता है और ये हम लोग का घर के पीछे तड़कूल का पेड़ है जो आप लोगों ने देखा होगा पिछली वीडियो में। और इधर शिवम भाई है और इधर कुछ गांव की बकरियां चल रही हैं लोग। और इधर देखिए कितना मस्त मस्त सब्जी बोई गई है। तो अभी ये देख पा रहे हैं पीछे प्याज का फूल है। तो फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं और ये हमारे पीछे है बिट्टू, इसका आज एग्जाम नहीं था। और ये दरवाजे पे पूरी पत्तियां बिखरी पड़ी हैं, नीम की पत्तियां जो कि पूरी पत्तियां ऊपर से गिर रही हैं। और इधर अमरूद की भी पत्तियां गिर रही हैं नीचे। और इधर राहुल भाई अभी आ रहा है खाना खाकर और मम्मी जी भी स्कूल से आ गई हैं और इधर अभी देख रही हैं टीवी और साथ में पापा जी भी हैं। तो अभी मम्मी जी पूरे दरवाजे पे झाड़ू लगाकर नीम की पत्तियां को यहाँ फेंक रही हैं और यहाँ पे रख देंगी। तो एक भाभी हैं जो हम लोग के घर पे आती हैं और इसे लेकर जाएंगी और इस नीम की पत्तिये को गाय के गोबर में या भैंस के गोबर में डालकर इसे गुहरा बनाया जाएगा यानी गोईठा। कहाँ जा रहे हो? और ये तुम्हारा एक पैर का चपलवा क्या हुआ है? अरे गजब, तब तो तुम बहुत बड़ा काम कर दिए हो सच में। जाओ 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 अपना चप्पल खोज के आओ, जाओ पहले। तो गाइस अभी हो चुका है शाम और हम देख रहे थे न्यूज, तो चलिए देखते हैं कि घर पे क्या लोग कर रहे हैं। तो अभी इधर शिवा भाई कर रहा है शाम का नाश्ता ले रहा है और मम्मी जी सब्जियां काटने की तैयारी कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो अभी अम्मी जी एक बोतल से दूसरे बोतल में तेल को डाल रही हैं और तेल को डाल लिया। तो गाइस अभी देख पा रहे होंगे ये लोग मस्ती कर रहे हैं लोग। मजा में आ रहा था, ये लगा
ये लोग अभी दाल मजदूरी कर रहे हैं लोग। गाइस फाइनली खाना हो चुका है, चलिए अब हम खाना खाते हैं। और हमारे पीछे टीवी चल रही है और राहुल भाई देख रहे हैं टीवी। और हमारा खाना आ चुका है, आलू की सब्जी और रोटी, तो चलिए फटाफट खाते हैं। तो गाइस फाइनली खाना पीना हो चुका है और सब लोग अपने अपने बिस्तर में सो चुके हैं। और इधर शिवा भाई है जो अभी जगा हुआ था और अभी सोने का नाटक कर रहा है। और इधर राहुल है जो अभी पढ़ रहा है। तो चलिए अब हम भी सोते हैं। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और राहुल भाई जा रहा है।